हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है पीएच स्केल। दोस्तों, आप पहले से जानते हैं कि कुछ अम्ल अधिक प्रबल होते हैं जबकि कुछ अन्य अम्ल कम प्रबल होते हैं। क्षारकों के मामले में भी ऐसा ही है। इनमें से कुछ अधिक प्रबल होते हैं और कुछ कम प्रबल होते हैं। हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता को कैसे मापते हैं? हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता निर्धारित करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की संख्या अधिक होती है। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अम्लीय विलयनों में हाइड्रोक्साइड आयन OH- होते हैं जो पानी के आयनाइजेशन से बनते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। इसी तरह क्षारकीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों OH- की संख्या अधिक होती है तथा उनमें हाइड्रोजन आयन H+ भी होते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। इस तरह अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों विलयनों में हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं। 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल विकसित की जिस पर हम अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों की प्रबलता उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के जरिए दर्शा सकते हैं। ये स्केल पीएच स्केल कहलाती है। इस पीएच में पी सूचक है पुसांस, पोटेंस जो जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। सोरेनसन ने अपने पीएच स्केल पर अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 0 से 14 तक की संख्याओं के साथ सरलता से जोड़ा। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किस विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएच केवल एक संख्या है और इसकी कोई इकाई नहीं है। किसी भी उदासीन विलयन, ऐसा विलयन जो अम्लीय या क्षारकीय नहीं होता, के पीएच का मान 7 होगा। उदाहरण के लिए शुद्ध जल एक उदासीन विलयन है और इसलिए इसके पीएच का मान 7 है। इसलिए पीएच 7 मान वाले विलयनों अर्थात उदासीन विलयनों का मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथलीन जैसे सूचकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब अम्लीय विलयनों के पीएच के बारे में बात करते हैं। अम्लीय विलयनों का पीएच 7 से कम होता है। उदाहरण के लिए पीएच 4, पीएच 4 वाला विलयन प्रकृति में अम्लीय होगा। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक विलयन में अम्लीयता की प्रबलता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। उदाहरण के लिए पीएच 1 वाला अम्लीय विलयन पीएच 6 वाले दूसरे अम्लीय विलयन की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय है। इसलिए सभी पीएच 7 से कम वाले विलयन प्रकृति में अम्लीय हैं और इसलिए वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और साथ ही वे मिथाइल ऑरेंज सूचक को लाल कर देते हैं। अब हम क्षारकीय विलयनों के पीएच मान के बारे में बात करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्षारकीय विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए पीएच 11 का एक विलयन प्रकृति में क्षारकीय होगा। ये भी ध्यान दें
कि विलयन में क्षारकीयता की प्रबलता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए पीएच 14 का एक क्षारकीय विलयन पीएच 10 के एक अन्य क्षारकीय विलयन की तुलना में बहुत अधिक क्षारकीय होगा। तो पीएच जितना अधिक होगा क्षारकीय विलयन उतना ही प्रबल होगा। 7 से अधिक पीएच वाले सभी विलयन प्रकृति में क्षारकीय हैं और इसलिए वे लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं और वे फिनोल्फथैलीन सूचक से गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पीएच 7 पर एक विलयन उदासीन है। जैसे जैसे किसी विलयन का पीएच 7 से घटता जाता है विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है और इस कारण अम्ल की प्रबलता बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर जैसे जैसे विलयन का पीएच 7 से 14 तक बढ़ता है विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है जिसके कारण क्षारक की ताकत भी बढ़ती चली जाती है। इस वीडियो में हमने पीएच स्केल का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लवण सॉल्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे।